अब आपको बताएं, पाकिस्तान रेलवे के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन नई बोगियों और जदीद तर सहूलियात के साथ अब इस्लामाबाद के मरगला स्टेशन से चला करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया, मुसाफिर भी निहाल हो गए। उमर आसिफ की रिपोर्ट में देखिए। एक्सप्रेस ट्रेन ग्रीन लाइन की पहली मरतबा मारगला स्टेशन इस्लामाबाद से रवानगी। सैलाब के बाद बहाल होने वाली ट्रेन का इफ्तिताह वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किया। ट्रेन की 11 में से 7 चीन से बरामद नई बोगियां, कुशादा सीटें, फैमिलीज के लिए स्पेशल कंपार्टमेंट्स, बेडिंग, यूटिलिटी किट और हाउसकीपिंग का भी इंतजाम, मुसाफिरों के लिए वाईफाई, 5-स्टार होटल का खाना और चाय। मुसाफिरों का कहना है एक टिकट में कई मजे मिल रहे हैं जनाब। सर्विसेज बहुत अच्छी हैं ये, प्लस ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, प्लस इसमें वो फैसिलिटीज हैं जो हमें प्लेन में मिलती हैं। यकीनन ये बहुत स्पेशल राइड होगी, इस बार बाकी हर राइड से मुख्तलिफ होगी। दो ही खवातीन हम ट्रेवल कर रहे हैं और हम बहुत ही ज्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। ग्रीन लाइन के 22 घंटे के सफर में 7 स्टॉप शामिल हैं। मरगला से रोजाना रवानगी सहपहर 3 बजे और कराची से रात 10 बजे हुआ करेगी। ग्रीन लाइन ट्रेन जहां बहुत सी सहूलियात साथ लेकर आई है, वहीं मुसाफिर भी इसमें सफर करने के लिए पुरजोश हैं। नवैस काजी के साथ उमर आसिफ, समा, इस्लामाबाद।